हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम। मैं नासिर अर्ज कर रहा हूँ युगांडा से। जी युगांडा अफ्रीका से बोली। जब अगर 1-2 मिनट का टाइम हो तो एक छोटा सा मसला पूछ लें। हाँ बोलो। मसला था ये कि ये जो जुमे की नमाज जो हम लोग पढ़ते हैं जुमे की नमाज, तो उसमें दो अजान, एक तो अजान का वक्त होता है 12:30-12 बजे हर मस्जिद में, और एक दूसरी जो इमाम साहब जब खतीब खुतबे की तैयारी कर रहे होते हैं जब बैठते हैं मेंबर पे, तो अजान होती है। तो दोनों अजानों में से कौन सी अजान बिदत है? बिदत नहीं है, दोनों सुन्नत है। किसने कहा बिदत है? अच्छा दोनों सुन्नत। सुन्नत की तारीफ पता है ना आपको? जी जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आप पसंद करते थे या जो आप फॉलो करते थे हमारे लिए वो सुन्नत। नहीं उसके अलावा नहीं पता आपको? अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नती खुलफाए राशिदीन, मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पे भी चलो, तो जिसे खुलफाए राशिदीन ने जारी किया है वो भी सुन्नत है। हाँ तो हजरत उस्मान गनी ने उस अजान का इजाफा किया। अब उसको अगर कोई बिदात कहता है बिदात उस्मानी, तो वो खुद बहुत बड़ा जिंदीक मरदूद है खबीस वो, और ऐसा गैर मुकल्लिद कहते हैं। और दूसरी बात, उसके सुन्नत होने के अलावा उस पर तवातुर से इजमा है, और इजमा का मुखालिफ जो है वो गुमराह है। माशाल्लाह। और इजमा की हुज्जियत, इजमा का हुज्जत होना कुरान करीम से नस कतई से साबित है, समझे? जहन्नम वसाअत मसीरा, समझे? जो मुसलमानों के रास्ते से अलग रास्ता चले अल्लाह ताला उसे जहन्नम में दाखिल फरमाएगा। तो जिस पर करनन बादा करनी आज 1300-1400 सालों से इजमा हो चुका हो, उसको अब बिदत बोलना ये हिमाकत और जहालत है। अब अगर हजरत उस्मान की इजाफा शुदा अजान बिदत है, तो कुरान को भी उन्होंने ही जमा किया, वो कुरान पढ़ना कहाँ से सुन्नत हो गया? समझ रहे हैं आप? हजरत उस्मान गनी से पहले कुरान करीम को 7 हरूफ पर पढ़ा जाता था। कितने? 7। हाँ तो हजरत उस्मान गनी ने बाकी के 6 हरूफ को रिवायत में है कि जला दिया और खत्म कर दिया, और 1 हरूफ कुरैश को बाकी रखा, समझे? जी जी। तो अब जो लोग अजान जुमा की दूसरी अजान को बिदात कहते हैं, बिदात उस्मानी, और हजरत उस्मान को माजल्ला बिदाती कहते हैं, तो बिदाती का ठिकाना जहन्नम होता है, और उनके जन्नती होने की बशारत खुद अल्लाह के नबी ने दी, और उनका जन्नती होना इतना ही यकीनी है जितना यकीनी यह है कि जन्नत है। हाँ तो अजाने, दोनों अजाने सुन्नत है, कोई अजान बिदत नहीं है जुम्मा की। अभी ये जो मसला है कि जब अजान हो जाए तो फिर उसके बाद जुम्मे की नमाज, तो वो अजान उला से है, पहली अजान से है, पहली अजान से है। वो जो कुरान करीम के अंदर फरमाया गया ना, या अय्युहल लजीना आमनु इज़ा नूदिया लिस्सलाति यौमिल जुमुआति, जुमुआ, अरे ईमान वालों जब जुमा के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो। इज़ा नूदिया लिस्सलाति यौमिल जुमा जो है, हेलो, उसके उस अजान के बाद खरीदो फरोख्त करना। अब बाज जगह क्या होता है, मस्जिद के बाहर स्टॉल लगे होते हैं इत्र वगैरह बेचने के, टोपियां वगैरह बेचने की, तो लोग खरीदो फरोख्त करते हैं, तो ये खरीदो फरोख्त भी हराम है। हेलो। जी 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 जी, ठीक है। जैसे किसी ने तलाका बनाया, आप इंटरनेट से कॉल मत किया कीजिए मुझे, आप मुझे कॉल कीजिए अपने नंबर से, मुझे इंटरनेट से आवाज पर डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है जनाब? आवाज ठीक है? हाँ बोलो। मैं ये कह रहा था वीर से, किसी ने प्लाजा बनाया, किसी ने, और उसमें एक जो प्लाजा जो होता है बिल्डिंग होती है बड़ी, मैं समझा नहीं वो क्या बोल रहा है, तलावा क्या होता है? ये जो जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग है जिसमें 7 फ्लोर है,
सीखे हैं उसमें एक फ्लोर मस्जिद के लिए मखसूस है दिया कि या पांच लोगों मुझे आवाज से डिस्टर्ब हो रहा है।